इंडियन सुपर लीग के तहत जमशेदपुर एफसी का मैच रविवार को दिल्ली एफसी के साथ होना है। शनिवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। इंडियन सुपर लीग के तहत होम टीम जमशेदपुर एफसी की भिड़ंत रविवार को दिल्ली एफसी से होगी। केरला ब्लास्टर से जीत दर्ज करने के बाद घरेलू मैदान में घरेलू टीम का हौसला बढ़ा है और उम्मीद है कि खिलाड़ी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराएंगे। वैसे भी प्रतियोगिता में कायम रहने के लिए होम टीम के पास अब हर मैच में जीत दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहां तक दिल्ली की टीम का सवाल है, उसका प्रदर्शन टूर्नामेंट में बेहतर रहा है और डिफेंस और ऑफेंस दोनों पहलुओं पर टीम को मजबूत आंका जा रहा है। जमशेदपुर एफसी और दिल्ली एफसी के खिलाड़ियों ने टीएफए मैदान में जमकर अभ्यास किया। जमशेदपुर एफसी के कोच स्टीम कोवेल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि टीम एक बार फिर जीत दर्ज करेगी और दर्शकों को निराश नहीं करेगी। विद्या की देवी वीणा पानी माँ सरस्वती की पूजा 22 जनवरी को है और खासकर विद्यार्थी वर्ग इसकी तैयारियों में जुटा है। विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। विशेषकर विद्यार्थी वर्ग इस पूजा को बहुत अहम मानता है और इसमें पूजा अर्चना के बाद बासी भात ग्रहण करने का रस्म है। बाजारों में मां सरस्वती की मूर्तियां उपलब्ध हैं। मां सरस्वती भगवान लिए हैं, 22 जनवरी को सरस्वती पूजा है। स्टूडेंट्स लोगों के लिए मां सरस्वती बहुत इम्पोर्टेंट है। मानगो मरीन सिटी से आए कुछ लोगों ने वरीय पुलिस अधीक्षक को एक मांग पत्र सौंप कर 3 युवकों पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को मनगढ़ंत और झूठा करार देते हुए इसे नानक चंद्र सेठ नामक व्यक्ति की साजिश बताया है। हम लोग आए हैं मानगो से और इंद्रजीत सिंह सैनी वहाँ मानगो में रहते हैं, वहीं अड़ोसी पड़ोसी हम लोग भी अगल बगल के रहने वाले हैं और इंद्रजीत सैनी के ऊपर में एक नानक चंद्र सेठ के द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जो आज हम लोग को अखबार के माध्यम से जानकारी हुई। इस संबंध में हम लोग का कहना है कि इंद्रजीत सैनी का 2,80,000 रुपया नानक चंद सेठ पर बकाया है विगत 2 साल से। अभी 3-4 महीने से इंद्रजीत सैनी जो है नानक चंद सेठ के ऊपर पैसे के लिए दबाव बनाया, तो नानक चंद सेठ ने कई बार धमकी दिया कि मैं तुमको झूठे मुकदमा में फंसा दूंगा। उसी का जीता जागता उदाहरण आज उसने नाबालिग लड़की से मुकदमा दर्ज करवा के दिया। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। जिला कांग्रेस द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जोजो बेड़ा कृष्णा नगर में रेल विभाग द्वारा विस्थापित किए जा रहे लोगों को 6 माह का वक्त देने और उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका नेतृत्व जिला अध्यक्ष विजय खां कर रहे थे। लेकर के हम लोग आए हैं, पहला कि जो कृष्णा नगर में घर उजाड़ा जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा, उसको उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद उसको हटाया जाना चाहिए। दूसरा कि 1 महीना आज हुआ है लाठीचार्ज का कांग्रेसियों पर, साक्षी थाना प्रभारी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके हम लोग संज्ञान लाना चाहते हैं। डीसी महोदय एसपी महोदय हम लोग से बोले थे, सीनियर एसपी, कि उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं हुआ। डॉक्टर अजय कुमार जी आए थे, गुलाल भुइया जी आए थे, रामेश्वर जी आए थे। और तीसरा, डीजल और महंगाई के विरोध में हम लोग आज एक ज्ञापन माननीय उपायुक्त को देने आए। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के संस्थापक बाबा ब्रजनंदन किशोर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। उनके पुत्र मनोज किशोर ने कहा कि पिताजी के सपने को साकार करने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। जब इनसे हम लोगों को कोई ऑफिशियल काम भी होता है, किसी पेपर में साइन कराना हो या कोई चीज इनसे डिस्कस करना हो। मारवाड़ी महिला मंच द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी थैलेसमिया से पीड़ित बच्चों के लिए वन भोज का आयोजन किया गया। वन भोज में उनके लिए तरह तरह के खेल और मनोरंजन कराए गए। इस बार मंच ने बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया था। मारवाड़ी महिला मंच के द्वारा थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए पिकनिक का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है, आज हम लोग करते हैं और साथ ही उनके अभिभावक भी है। हाँ बताइए क्या? ये मारवाड़ी महिला मंच के द्वारा थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए पिकनिक का आयोजन किया जाता है,
प्रतिवर्ष हम निको पार्क में इसी समय करते हैं, जिससे कि ये बच्चे भी पिकनिक का आनंद ले पाते हैं और साथ में हम इनके अभिभावकों को भी बुलाते हैं। उधर दूसरी ओर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा साक्षी अग्रसेन भवन में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वेदांता अस्पताल के चिकित्सकों ने अपना सहयोग दिया। ईश्वरगढ़ में बाइक सवार जयराम कोराई सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अज्ञात कार की ठोकर से वो सड़क पर गिरकर घायल हो गए। लोगों ने उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है, और सुटाटा मुख्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।